नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 एंटरटेनमेंट। हम आए हैं इस वक्त की बड़ी खबर लेके। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से ही। पश्चिम बंगाल में जैसा कि आप जान रहे हैं, विपक्ष का ध्रुवीकरण बहुत तेजी से हुआ। कल जो ममता बनर्जी ने जो एक विपक्षियों की एक जमघट जुटाया था, उस जमघट में विपक्ष के कई नेताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां उसमें शामिल थे, जिसमें अरुण शौरी, जिसमें यशवंत सिन्हा और पटना साहब के जो सांसद हैं शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी शामिल हुए। और उन्होंने सरकार की खूब जमकर मजम्मत की, या ये कहें मोदी, नरेंद्र मोदी की खूब जमकर मजम्मत की। इसका ये परिणाम हुआ है कि अभी जो रिएक्शंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो संकेत जो है वो शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा है। जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी रैली में जो दिए गए भाषण में उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि मेरे इस भाषण के बाद, जब उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर हैं, ये पूरी जनता कहेगी, जो उन्होंने जो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया था, जो वाक्यों का प्रयोग किया था, उसके बाद कहीं कहीं शत्रुघ्न सिन्हा को भी लग रहा था कि उनके ऊपर पार्टी एक्शन लेगी। उन्होंने अपने रैली में ही कहा था कि हो सकता है पार्टी इसके अपने निकाल दे। इस मामले में बीजेपी के अंदर से बड़ी तेजी से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और प्रतिक्रिया कहीं और की नहीं बल्कि बिहार के ही एक जो वरिष्ठ नेता है राजीव प्रताप रूढ़ी, उनके तरफ से आई है। वो भाजपा के प्रवक्ता भी है। राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है शत्रुघ्न सिन्हा को कि वो अवसरवादी है, वो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया है, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो बयान दिया है वो निहायत निंदनीय है। इसके साथ पार्टी हलकों में ये भी बात कही जा रही है कहीं ना कहीं कि अमित शाह, चूंकि पार्टी अध्यक्ष स्वाइन फ्लू से ग्रसित हैं और इस समय एम्स में वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो जब एम्स से शायद वो वापस लौटे तब इनके निलंबन की, सस्पेंशन की कार्रवाई की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से मूड बना लिया है शत्रुघ्न बाबू को दरकिनार करने का, उनको पार्टी से बेदखल करने का। इस मामले में बिहार के जो प्रभारी हैं, बिहार के जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो नित्यानंद राय, उनका भी एक बयान आया इस संदर्भ में कि पार्टी उचित समय पे उचित फैसला लेगी। यानी कुल मिलाकर पार्टी जो है शत्रुघ्न सिन्हा के मामले में अब स्टैंड लेती हुई नजर आ रही है। जो शत्रुघ्न सिन्हा पिछले 5 सालों से लगातार मुखर थे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बच रही थी उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने से, लेकिन जिस तरीके से कल की रैली में नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर हुए शत्रुघ्न सिन्हा, और उन्होंने गब्बर टैक्स का हवाला दिया, उन्होंने अखिलेश यादव की तारीफ की, उन्होंने मायावती की तारीफ की, उन्होंने अपने गुरु गाइड फिलोसोफर लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ की, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना ही नहीं की, इसको कहेंगे तीखे शब्दों में भर्त्सना की, निंदा की उनके 5 साल के शासनकाल को लेकर, और लगभग उनके सारे फैसलों पे, सरकार के सारे फैसलों की उन्होंने धज्जी उड़ा के रख दी। तो इस मामले में गाज गिर सकती है शत्रुघ्न सिन्हा के ऊपर। शत्रुघ्न सिन्हा बॉलीवुड के बहुत जाने माने स्टार रहे हैं, शॉटगन कहे जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज के लिए बहुत ही मशहूर है, और खास करके उनका एक डायलॉग बहुत फेमस है, खामोश। जी हाँ, शायद अब भाजपा शत्रुघ्न सिन्हा को खामोश कर दे। ये हमारी अब तक की, ये हमारी आज की खबर है, और खबरों का सिलसिला न्यूज 24x7 पे जारी रहेगा। इसी तरीके से आप हमारे न्यूज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके की खबरें यहां पर आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।